जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की है चैप्टर है आपका 2 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और उसका जज्ब जो होते हैं आपका वो है 4। जी बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह देख ले तो आप फिर के 32 x की पावर -6 है इनटू डॉट y की पावर -4 है z है और बटे में आप फिर 625 x की पावर 4 है आगे y है और डॉट ये जरब के अलावा नहीं लेंगे तो इसका मतलब डॉट ये जरब ही होते हैं और जेड की पावर -4 लिखी हुई है। तो बच्चों ब्रैकेट डालकर होल पावर इसकी 2/5 लिखी हुई है तो ये ब्रैकेट लगी हुई है। तो बच्चे देख रहे अच्छी तरह अक्सर स्टूडेंट्स को ब्रैकेट नहीं लेना आता है तो बच्चे अगर आपने ब्रैकेट ही नहीं लगाया तो आपको ऑटोमेटिकली सारे का सारा क्वेश्चन बनता हो जाएगा। ये बच्चों ये आप लिखा 32 32 को फैक्टराइज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो आसान तरीका है कि आप इसको फैक्टराइज कर ले 2 पर डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा फिर 2 का पर आपका 8 आ जाएगा फिर 2 पर करें आपका 4 आ जाएगा फिर 2 का आपका 2 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम्स ये 5 दफा आपको 2 2 आ जाता है 2.2.2 तो आप 5 दफा उस तरह लिखेंगे। x की पावर 6 भी आप उस पर लिख दें y की पावर -4 भी उस पर लिखेंगे z आपके लिखे हैं इसको बच्चे आपने हल लेकर बाद में करते आगे आपके पास है 625 अब 625 की उस तरह फैक्टराइज कर ले तो बच्चे ये 5 पर ही डिवाइड होगा और किसी पर डिवाइड नहीं होता तो ये आपका आ जाएगा 5 2 और 5 यानी 125 आता है। जब 125 को 5 पर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 और 25 को जब 5 पर डिवाइड किया तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 5 तो आप देख ले 5 आपके पास 4 दफा आ गए तो फिर कर 5.5.5.5 यानी 5.5.5.5 आपने 4 दफा आप लिख रहे हैं ये वाला 4 टाइम्स यानी 4 दफा आप लिख रहे हैं x की पावर 4 है वो भी आपने उसी तरह लिखी है y है ये भी आपने उस तरह लिखा है z की पावर 4 -4 लिखी हुई है आपने उस तरह लिखा है और बच्चे ब्रैकेट में आकर होल पावर लिखे की ओवर 5 है क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब किसी एक रकम की पावर है ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये काफी सारे रकम सभी की होल पावर इकट्ठी पावर आपके पास देगी। तो बच्चे अब देखें हमने 2 2 और 5 दफा लिखे हैं तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 2 रेस पावर 5 2 की पावर 5 और आगे डॉट लगाना चाहते हो लगा ले x की पावर -6 डॉट या जरब के अलावा जो भी आप बेहतर समझे लगा सकते हैं y की पावर आपकी -4 है और z आपके लिखा हुआ है और बटे बच्चे आ जाए तो आपके पास 5 जो 4 दफा लिखे हुए हैं तो इसको हम 5 की पावर 4 लिखेंगे 5 की जितनी दफा मल्टीप्लायर हो उसकी पावर में आ जाते हैं। डॉट है x की पावर आपके पास 4 है y है उसी तरह हम लिखेंगे और बच्चे आगे आपके पास z है जिसकी पावर लिखी है -4 उसी तरह ही आप लिख दे और इसकी होल पावर जो लिखी हुई है वो आपके पास लिखी है 2/5। ये बच्चों ये एहसास आपके पास है अगर एहसास के पावर होल पावर दी हुई हो तो वो एहसास की ताकतों से हारे की ताकत से जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। एक तरीका तो ये है कि आप होल पावर से पहले मल्टीप्लाई कर ले दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एक जैसे एहसास जो आपस के जब आया तफरीक हो रहे उनको इकट्ठा कर ले दोनों सूरत में बच्चों आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें 2 की पावर 5 है ये 2/5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनटू बल्कि इस तरीके से आप ना करें आप पहले एहसास को इकट्ठा कर लें 2 की पावर आपके पास बचे 5 है एक जैसे एहसास तकसीम हो रहे हैं तो उनकी पावर्स आपकी तफरीक हो जाएगी ये माइनस के 4 को ऊपर ले प्लस के 4 के ऊपर जाकर माइनस के आपके 4 हो जाएंगे और इसी तरह आपके आगे y लिखा हो y की पावर लिखिए माइनस के 4 और बटे में बच्चे y की पावर नहीं लिखी हो तो इसका मतलब एक पावर होती है ठीक है जी। ये जब ऊपर आ जाए तो आपके पास बन जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और इस तरह z है जिसकी पावर ऊपर नहीं लिखी हुई तो इसकी एक पावर होती है इसके ऊपर असास के ऊपर पावर नहीं लगी उसकी पावर एक होती है बटे में आपके माइनस 4 है जब बच्चे ये ऊपर जाएगा तो आपके पास जाएगा प्लस के 4। अब बटे में आ जाए जी बटे में बच्चों आपके पास है अब पास आपके रह जाएगा 5 की पावर 4 और इसके ऊपर होल पावर जो लिखी है वो आपके पास है 2/5। ये बच्चों देखिए आपके पास 2 की पावर 5 है उसी तरह आप लिखेंगे आगे x की पावर ये दोनों आपस में जमा हो जाएगी तो आपके पास है माइनस के 10 हो जाएंगे अगर बच्चे आपके पास है y और y की पावर जो कि माइनस के 4 है माइनस का ही वाला है तो बच्चे आपके पास है माइनस के 5 और आगे आपके पास z लिखा हुआ है तो इसकी पावर आपके पास 1+4 जमा होगी तो आपके पास बन जाएगा 5 और बटे में आपके पास जो थे 5 की पावर 4 या 5 रेस टू पावर 4 लिखा हुआ और बच्चों आपके पास होल पावर जो थी 2/5 यानी 2/5 है। अब आप 2/5 को ब्रैकेट के अंदर हर एहसास की रकम से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर 5 है
तो बच्चों ये 2/5 जैसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू डॉट, ये सर्फ की अलामत लगा ली आपने, माइनस के आपके पास 10 है और ये 2/5 जैसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे वाई की पावर माइनस के 5 है, तो बच्चों ये 2/5 आपने ऐसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे डॉट ये सर्फ की अलामत जो मर्जी लगा रहे हैं, जी की पावर आपके पास लिखी 5 है और ये 2/5 या 2/5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे में बच्चों आपके पास 5 की पावर 4 लिखी हुई है तो आपका 2/5 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये 5 5 के आपसे कट जाएगा तो 2 की पावर आपके पास बचेगी 2, और इसी तरह 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और x की पावर आपके पास आ जाएगी माइनस के 4, क्योंकि माइनस के 2 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 4 आ जाएंगे, और इसका 5 5 से कट जाएंगे तो आपका 1 आता है माइनस का 1 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा माइनस का y का स्क्वायर, और बच्चों ये 5 5 से कट जाएगा और z की पावर आपके पास आएगी z का स्क्वायर या z का मुरब्बा, और बटे में बच्चे आपके पास आ जाएगा 5 की पावर, ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास आ जाएगा 8/5, 2 की पावर 2 का मतलब बनेगा 4। अब यहाँ पे असास आपके बच्चे x और y है जिनकी पावर जो होती है वो आपके पास मनफी आ रही है, तो इनको बटे में ले आते हैं, इनकी पावर जो होगी वो प्लस में हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगा, और ये माइनस के 2 लिख के बटे में जब आपके आ जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और z की बच्चे आपके पास पावर पहले ही प्लस है। अब आपके पास रह गया 5 की पावर 8/2, तो बच्चों इसमें देखा जाए तो ये असास की पावर जो आपके पास लिखी हुई है इसमें शुमार कुंदा बड़ा है, यानी 8/5 लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह हल कर ले आपका शुमार कुंदा छोटा हो जाए, तो फिर 8/15 के 5 पर इसको डिवाइड करते हैं, जब बच्चे इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये आपके पास आता है 1 आपका पूरा मुकम्मल हो जाएगा और बाकी आपके पास है 3/5, तो इसका मतलब बना कि 5 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 अलहदा और 5 की 3/5 अलहदा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चे ये जमा की अलावा जो होती है इसका मतलब ये होता है कि असास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1 अलहदा और डॉट 5 की पावर 3/5 अलहदा लिख देंगे, क्योंकि जब असास एक जैसे असास मल्टीप्लाई हो रहे तो उनकी पावर जमा हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब 5 की पावर ये 1 है, 5 की पावर 3/5 है, इनको जब जमा करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा इस तरह 1 3/5, और ये आपके इनको जब जमा करके देखें तो ये आपका 8/5 ही बनते हैं, 8/15 रखते हैं 5 पर आप डिवाइड कर रहे हैं, 5 का जो टेबल पड़ेंगे तो आपके पास बाकी 3 बचेंगे, 1 आपका कम्प्लीट हो गया, बाकी आपका 3/5 ये 3/5, और ये भी एहसास की जो कि इसमें 5 की पावर 1+3/5 लिखेंगे, तो ताकि उस वक्त जमा होते हैं जब आप एक जैसे एहसास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब 5 की पावर ये 1 रहता है और प्लस डॉट आपने लगा रहे हैं या जरब की लामत आपने लगा रही है 5 की पावर 3 रहता है, तो इसको भी हम उसी तरह करके लिख लेंगे, तो ये आपके पास बचे आ जाएगा 5 की पावर 1 जो कि आमतौर पर नहीं लिखी जाती, और डॉट आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 3/5, और ये बच्चों आपका आंसर है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।